नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि धीरे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं PID, जिसको हम लोग हिंदी में पेडू में दर्द कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के और भी बीमारियों के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। PID का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको हिंदी में पेडू के दर्द के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कोथा के दर्द के नाम से भी जानते हैं। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट में दर्द, सूजन की बीमारी जैसे कि गर्भाशय, बच्चेदानी या नालों में सूजन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं पेल्विक के पेडू रीजन की बात करूँ तो पेडू रीजन पेट का निचला हिस्सा होता है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, और महिलाओं में मैक्सिमम यह बीमारी होती है। महिलाओं के पेट के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे गर्भाशय जिसे बच्चेदानी भी बोलते हैं, में सूजन आ जाती है, या अंडाशय जिसमें अंडे बनते हैं उसमें सूजन आ जाती है, या फेलोपियन ट्यूब जब ओवरी अंडे बनाती है तो ये गर्भाशय तक लेके जाते हैं तो इसमें भी सूजन आ जाती है। सामान्यतः PID या पेडू में दर्द सूजन की वजह से होता है, और ये गर्भाशय में, अंडाशय में या फेलोपियन ट्यूब, इन तीनों जगह हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी सर्विक्स में भी सूजन आ जाती है। अगर इसके लक्षणों की हम बात करें तो इसमें होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेडू में दर्द या कमर दर्द। इसके साथ साथ योनि से दुर्गंध भी आती है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जैसे कि इंटरकोर्स करने के बाद जब पीरियड खत्म हो जाते हैं उसके दौरान या उससे पहले या उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। जनरली पाया जाता है कि पेशेंट को बुखार होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। हाथ, पैरों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। पेशाब करते समय भी दर्द होता है। नौशिया या वोमिटिंग की समस्या भी लगातार बनी रहती है। तो इस तरह से ये सारे मुख्य लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ये बीमारी किस कारण से होती है या इसका कारण क्या होता है। जो लोग सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं उसके अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और इसका जो कारण होता है वो सेक्सुअल इन्फेक्शन के वजह से होता है, जो अनहाइजीनिक कंडीशन के वजह से होता है, जैसे आपने वॉशरूम सही तरीके से यूज नहीं किया हो, या फिर अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना जिसका कि किसी दूसरे के साथ भी संबंध है, या उस व्यक्ति को पहले से ही इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, या फिर किसी लेडीज के काफ़ी सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, या फिर इन सूजन की बीमारी का कारण TB या कैंसर भी हो सकता है। तो इन सब बातों की वजह से PID पाई जाती है। दोस्तों, अब इसकी जांच की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन होता है, रूटीन और माइक्रोस्कोपी, और अगर इसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके बाद यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होगा, और इसके बाद ही इसका प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट होता है। साथ में LBC या पेपस्मियर भी कराया जा सकता है अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में, और हार्मोन टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। और अगर LBC टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बायोप्सी टेस्ट के लिए भी एडवाइस करते हैं, जो कि आगे चलकर कैंसर को कंफर्म करते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है, और एंटीबायोटिक में फर्स्ट लाइन मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन और उसके साथ मेट्रोनिडाजोल, या फिर ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन और सेफलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सब मेडिसिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए है, इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है। इसका जो घरेलू उपचार है वो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जैसे गर्म पानी की सिकाई करना, दिन में 2 या 3 बार सिकाई कर सकते हैं। कलौंजी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो सूजन को कम करती है। अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आप उसकी चाय भी पी सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट लेनी है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आपको दर्द में आराम मिलता है, तथा मानसिक डिसबैलेंस भी होता है उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इस कंडीशन में आप क्या क्या खा सकते हैं। इसमें है बीन्स, बादाम और गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ भी खाना चाहिए। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थ खाएं। खट्टे फल खाएं, दही खाएं, ग्रीन टी पिएं, रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं। कुछ चीजें जिनको आपको नहीं खानी है, जैसे खाने की उन वस्तुओं को जिनसे कि आपको एलर्जी है
उनको खाने से बचें। साथ में सफेद ब्रेड, पास्ता, चीनी, ऑयली फूड और फैटी फूड आदि इन सारी चीजों को खाने से बचें। फैटी फूड आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए इन चीजों को खाने से बचें। रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट कम खाएं। कॉफी, शराब और तंबाकू से बचें। तो दोस्तों, ये सब चीजों को न खाएं या फिर कम मात्रा में खाएं। इसके बचाव में है दोस्तों, सुरक्षित सेक्स करें, हाइजीन कंडीशन बनाकर रखें। साथ ही अगर आप कोई गर्भ निरोधक ले रहे हैं तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो अपने साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं उनको भी टेस्ट करवाएं। हो सकता है उनको भी इन्फेक्शन हो, जिस वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। ट्रीटमेंट दोनों का जरूरी है। अगर आप इसे ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे आपको बाचपन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है और आगे चल के आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और आप माँ बनने में असमर्थ हो जाती हैं। और आपका अगर गर्भ ठहर जाता है तो आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह था PID से संबंधित कुछ जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।